बुधनी विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया, जिसके बाद क्षेत्र के ग्राम सतराना, राना, रसगुल्लागंज एवं लाड़कुई में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं द्वारा अरुण यादव का ढोल बाजों के साथ पुष्पमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं नसरुल्लागंज में कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र का है माँ नर्मदा का जो अवैध उत्खनन हुआ है और जिसके जनक मुख्यमंत्री के परिवार के लोग हैं। माँ नर्मदा के एक एक कण का हिसाब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लेंगे इस चुनाव में। दूसरा, पूरे देश में सबसे ज्यादा दुराचार अत्याचार कहीं हुआ है महिलाओं के साथ, तो मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल है और मध्य प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला किसानों की आत्महत्याओं के मामले में अव्वल है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अवैध उत्खनन, किसानों की आत्महत्याएं, ये तमाम बिंदुओं पर हम लोग बुधनी की जनता से बात करें। दिवाली के इस पावन पर्व पर समस्त देश और प्रदेशवासियों को टीएमटी न्यूज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।